ये जो इंडी अलायंस है ये तीन आधार पर खड़ा है। पहला परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टिकरण। मैं यहां खड़ा हूं बिहार में, कौन है सामने? लालू, तेजस्वी, मीसा, बाकी छुट्टी। ये पहले ये बनती हैं क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टी, और रीजनल पार्टी के बाद बनती हैं ये पारिवारिक पार्टी। और भारत की प्रजातंत्र परिवारवाद को कभी भी परस्य नहीं देगा, विचारधारा को परस्य देगा। इसलिए परिवारवाद पार्टियों का समाप्त होना निश्चित है, यह अपमान कर चुके। पटना के बापू सभागार में जेपी नड्डा ने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर खूब बड़ा बयान दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव स्टीज। देखिए, 24 और 25 के चुनाव के पहले जेपी नड्डा बिहार आए। बिहार के बापू सभागार में यानी राजधानी पटना के बापू सभागार में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी के द्वारा किया गया था। लालू प्रसाद यादव पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। INDIA अलायंस पर उन्होंने कहा है कि INDIA अलायंस में जितनी भी पार्टियाँ हैं वो पहले क्षेत्रीय पार्टियाँ बनती हैं, फिर राष्ट्रीय पार्टियाँ बनती हैं, ऐसी पार्टी समाप्त हो जाएगी। देखिए, जेपी नड्डा ने फिर से एक बार INDIA अलायंस पर बड़ा बयान दिया है और क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर उनका बड़ा दावा, महागठबंधन और INDIA के नेता किस तरीके से देखेंगे ये देखने वाली बात होगी। मगर उसके पहले देखिए, बवाल होना बिल्कुल तय है क्योंकि जेपी नड्डा ने पहले भी कहा था और एक बार फिर से बिहार आकर ऐसा बोल गए हैं। जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं इस वीडियो में सुनिए। जानते हैं, ये जो INDIA अलायंस है ये तीन आधार पर खड़ा है। पहला परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टिकरण। आप देखिए, मैं आपके सामने भारत का नक्शा खींच के बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर कौन है? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, बाप बेटा। PDP कौन है? पहले मुफ्ती मोहम्मद, बाद में महबूबा मुफ्ती। आप नीचे आइए, आप देखेंगे शिरोमणि अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल, बाप बेटा। आप उससे नीचे आइए, उत्तर प्रदेश 24 करोड़ का प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी किससे लड़ रही है? समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह, अखिलेश और डिंपल खुशवाह। बस परिवार, मैं यहां खड़ा हूं बिहार में, कौन है सामने? लालू, तेजस्वी, मीसा, बाकी छुट्टी। ये बंगाल में किससे लड़ रहा हूं? PC भाईपो, PC मतलब बुआ, बुआ मतलब ममता और भाईपो मतलब भतीजा। भतीजा कौन है? अभिषेक। कौन? ये परिवार से लड़ रहे हैं, बाकी सबकी छुट्टी। ये परिवारवाद, तुम हमारे परिवार को बचाओ, हम तुम्हारे परिवार को बचाएंगे। हम तेलंगाना में किससे लड़ रहे हैं? KCR, KTR, कविता, बाप बेटा, दामाद बेटी। हम तमिलनाडु में किससे लड़ रहे हैं? स्टालिन, पहले करुणानिधि, फिर स्टालिन, फिर उदयनिधि स्टालिन। हम महाराष्ट्र में किससे लड़ रहे हैं? शिवसेना, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे। ये सब परिवार की पार्टियां हैं। और कांग्रेस में भी कौन है? सोनिया, राहुल, प्रियंका, फुल स्टॉप। ये सब परिवार की पार्टियां। और मैं यहां दोबारा दोहराना चाहता हूं, मेरे बातों का बहुत बुरा लगा था विपक्षी दलों को, मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, ये पहले ये बनती हैं क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टी, और रीजनल पार्टी के बाद बनती हैं ये पारिवारिक पार्टी। और भारत की प्रजातंत्र परिवारवाद को कभी भी परस्य नहीं देगा, विचारधारा को परस्य देगा। इसलिए परिवारवाद पार्टियों का समाप्त होना निश्चित है, यह अपमान कर चुके। तो आपने सुना जेपी नड्डा को, जिन्होंने जोर जोर से कह दिया है कि INDIA अलायंस में जितनी भी पार्टियां हैं वो पहले क्षेत्रीय पार्टियां बनती हैं, उसके बाद वो समाप्त हो जाएंगी। एक बड़ा दावा जेपी नड्डा ने बिहार आकर कर दिया है। वही INDIA अलायंस का नक्शा उन्होंने बताया है, तीन चीज़ें उन्होंने बताई हैं। INDIA अलायंस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा है कि यही तीनों वजह से INDIA अलायंस चलती है, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण।
महागठबंधन किस तरीके से लेगी, देखने वाली बात है। बिहार आकर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को ललकारते हुए जेपी नड्डा नजर आए। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।